क्रिया का लेसन थ्री करेंगे और क्रिया से संबंधित पूरी चर्चा करेंगे, जिससे आपको क्रिया पूरा समझ में आ जाए। और ये पहले भी पढ़ाया जा चुका है, अब आपका क्रिया जो लेसन है वो आपका रिवीजन में चल रहा है। तो हम बात करते हैं क्रिया। क्रिया क्या है? क्रिया वो होती है जिससे हमें, जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया क्या है बच्चों? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे माता जी पूजा कर रही हैं, तो ये माता जी पूजा कर रही हैं वाक्य है। जो जैसे लिखेंगे, जैसे माता जी पूजा कर रही है, ये वाक्य देखेंगे बच्चों हम लोग। तो ये माता जी पूजा कर रही है, ये पूजा कर रही है, ये क्या है? क्रिया। हम समझेंगे क्रिया क्या है। क्रिया वे शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, तो क्रिया क्या है बच्चों? जाता हूँ, ये क्या है? मैं विद्यालय में हो गया करता, कल हो गया विद्यालय और जाना हो गया क्रिया। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा क्रिया क्या है। क्रिया वे शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। इसके बाद बच्चों किसी भी वाक्य में क्रिया का बहुत अधिक महत्व होता है। वाक्य में क्रिया का बहुत अधिक महत्व होता है, इसके बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं धातु। धातु क्या है बच्चों? धातु क्या है? संस्कृत में हमारी हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है, तो धातु क्या है? धातु क्रिया का मूल रूप होता है। धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप, धातु होता है, धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे हमारी मूल धातु क्या होती है? जैसे पढ़ लिख चल इत्यादि। इनमें जब हम ना जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? ना जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। पढ़ मूल शब्द है, मूल क्रिया है, मूल धातु है पढ़, तो इसमें जब हम ना जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पढ़ना। ऐसे लिखना, चलना, खाना, रहना। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है, और धातु में जब हम ना जोड़ देते हैं तो ये क्रिया बन जाती है। इतना बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं बच्चों, क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कितने होते हैं ये हम देखेंगे। क्रिया के कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं। क्रिया है, क्रिया के भेद कितने होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा हो जाएगा, दूसरा नंबर अकर्मक क्रिया। बच्चों क्रिया को समझा, क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर
क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक में हमें शब्द से ही ज्ञात हो रहा है सकर्मक क्या है, कर्म के सहित जिन वाक्यों में कर्म होता है उनको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या होता है बच्चों? जिन वाक्यों में कर्म होता है उनको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, या कहेंगे इसी परिभाषा में जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में क्या है? जैसे सकर्मक क्रिया की बात करेंगे, जैसे राहुल पुस्तक, राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये बच्चों क्या है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण। राहुल कर्ता हो गया, पढ़ रहा है ये क्रिया हो गया, और पुस्तक क्या है? कर्म। सकर्मक क्रिया को जानने के लिए हम उसमें प्रश्न करते हैं, क्या, किसको, किसे। अगर उत्तर आता है हाँ तो हमारी वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। अब इसमें हम करेंगे राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें प्रश्न क्या करेंगे? राहुल क्या कर रहा है? जब हम क्या करेंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा कि पुस्तक पढ़ रहा है, अर्थात हमारी ये सकर्मक क्रिया हुई। अकर्मक क्रिया क्या हुई? अकर्मक से भी हमें शब्द से ही ज्ञात हो रहा है जिसमें कर्म आमिष नहीं हो, जिसमें कर्म नहीं हो उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। जैसे बच्चों बच्चा रो रहा है, जैसे बच्चा रोता है, तो इस सेंटेंस में क्या है बच्चों? कर्म नहीं है, तो इसको हम किसमें रखेंगे? अकर्मक क्रिया, बच्चा रोता है। अब बच्चों समझ में आया आपको? क्रिया, क्रिया के कर्म के आधार पर दो भेद, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया? अब हम सकर्मक क्रिया में भी भेद देखते हैं। सकर्मक क्रिया के सकर्मक क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया के बच्चों दो भेद होते हैं। एक होता है एक कर्मक क्रिया, और दूसरा होता है विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया का मतलब है जिससे हमें पता चले कि एक जिन वाक्यों में केवल एक कर्म होता है उन्हें हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिन वाक्यों में एक कर्म होता है उन्हें हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों पक्षी, जैसे देखेंगे उदाहरण, पक्षी पेड़ पर बैठा है, पक्षी पेड़ पर बैठा है, तो इसमें क्या है? पक्षी किस पर बैठा है? पेड़ पर, तो इसमें हम एक कर्मक क्रिया की बात कर रहे हैं, अर्थात यह एक कर्मक क्रिया का उदाहरण हुआ। विकर्मक क्रियाओं में बच्चों क्या होता है? जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें हम विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माली ने, जैसे बच्चों देखेंगे माली ने पौधों में पानी
पदों में पानी माली पौधों में पानी दे रहा है। अब विकर्मक क्रिया में क्या बच्चे माली दे करता हो गया, अब ये क्या कर रहा है एक पौधों और एक पानी, इसमें द्विकर्मक है मतलब द्विकर्मक क्रिया के द्वारा एक पौधा क्रिया है वो कर रहे हैं और दूसरा पानी कर रहे हैं। एक कर्मक क्रिया जिन वाक्यों में एक कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं और जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं उन्हें हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में आया बच्चों एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, एक कर्म और जहां दो कर्म हो वहां द्विकर्मक क्रिया। आगे आते हैं बच्चों सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर क्या होता है इसको जानेंगे। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए हम क्या किसे किसको लगाते हैं किसको करके प्रश्न करते हैं तो हमें उत्तर आता है वो है हमारा क्या हो जाता है सकर्मक क्रिया। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ रहा है तो हमने उत्तर प्रश्न किया कि लड़का क्या कर रहा है तो आंसर आया लड़का पुस्तक पढ़ रहा है अर्थात हमारी ये क्या हुई सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रियाओं की पहचान करने के लिए हम क्या किसी और किसको लगाकर प्रश्न करते हैं तो उत्तर नहीं मिलता है। जैसे बच्चा रोता है तो क्या बच्चा रोता है आंसर आता है नहीं, यह एक कर्मक क्रिया है। बच्चों क्रिया में हम पूरा एक बार देखेंगे क्रिया क्या है जिन वाक्यों से जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्रिया कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती है सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में जिन वाक्यों में कर्म पर प्रभाव पड़े वो सकर्मक क्रिया होती है और जिन पर जिनमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया बच्चों दो प्रकार की होती है सकर्मक में एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक का मतलब है जहाँ पर जिन वाक्यों में एक कर्म पर प्रभाव पड़ता है वहाँ हमारी एक कर्मक क्रिया होती है और जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं वहाँ पर हमारी द्विकर्मक क्रिया होती है। ये हमारा रहा बच्चों आज का क्रिया का चैप्टर जिसमें क्रिया के भेद और क्रिया की परिभाषा क्रिया के उदाहरण दिए गए जिससे हमें पूरा क्रिया का चैप्टर समझ में आया। आशा करती हूँ बच्चों क्रिया का जो चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।